सो लेट्स कंटिन्यू ऑन आर चैप्टर हम डिसऑनर ऑफ अ बिल के क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस कुछ सेशंस तक हमने डिसऑनर के क्वेश्चन किए हैं हमने एंडोज बिल का डिसऑनर अभी तक देखा है चारों यूज में बिल डिसऑनर हो जाता है और सिर्फ एक सेट ऑफ एंट्री जो होती है यूनिक एंट्री पास करनी पड़ती है ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई की बुक्स में कुछ भी नया नहीं होता सिर्फ एक जर्नल एंट्री है जो सभी केसेज में डलेगी दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डी नोटरी चार्जेस उंट डिया टू ड्रॉ अकाउंट यानी ए अकाउंट जो ड्रॉर हैं उनकी बुक्स में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज ऑफ बिल में अलग अलग जर्नल एंट्री पास होती है लाइक इफ द बिल इज हेल्टिल मेचोरिटी तो उनके बुक्स में एंट्री पास होगी बी अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश कैश के अगेंस्ट लिख देंगे नोटरी चार्जेस बी के अगेंस्ट डेबिट कर देंगे बिल वैल्यू प्लस नोटरी चार्जेस अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो जर्नल एंट्री डलेगी बी अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट ड्रॉ ई अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट एंट्री का जो अमाउंट होगा वो बिल प्लस नोटरी चार्जेस से डलेगा अगर बिल होता है तो ड्रॉ की बुक्स में एंट्री डलेगी बी टू सी यानी ड्रॉई टू एंडोरसी और इसमें भी बिल प्लस नोटरी चार्जेस की वैल्यू डलेगी जो एंडोरसी हैं उनकी बुक्स में एंट्री डल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि उन्होंने बिल के साथ क्या किया है अगर उन्होंने हेल्टेल मचोरिटी रखा है तो वो हेल्टेल मच्योरिटी वाली एंट्री डाल देंगे यानी कि ए अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अगर उन्होंने डिस्काउंट करा दिया था तो वो एंट्री डाल देंगे ए टू बैंक और कलेक्शन के लिए भेजा था तो एंट्री डाल देंगे ए अकाउंट डी आर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश या बैंक नोट चार्जेस से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज इलेट्रेशन नंबर थर्टी देखिएगा ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी नाइनटीन राम ड्री ऑन मोहन हु इज़ हिज डेटर फॉर फिफ्टीन थाउजेंड थ्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक से ज़्यादा बिल बने नॉट अ प्रॉब्लम सबको नंबर कर देंगे वन टू थ्री फर्स्ट फॉर फोर थाउजेंड एट वन मंथ सेकेंड फॉर फाइव थाउजेंड एट टू मंथ्स एंड थर्ड फॉर सिक्स थाउजेंड एट थ्री मंथ्स वन टू एंड थ्री मंथ्स की मेचोरिटी दिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को फेसिलिटेट uh, किया है थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ठीक है मोहन एक्सेप्टेड ऑल द थ्री बिल्स सबसे पहले मैं इन बिल्स की जर्नल एंट्री पास कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है तो आप टाइम लाइन प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन में हम जो टाइम लाइन बनाते थे ना वो भी आप कर सकते हैं या आप स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री पास करते रहे डेट्स का स्पेशली ध्यान रखिएगा डेट्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए जो क्रोनोलॉजी में पहले एंट्री आनी चाहिए वो आपको पहले पास करनी पड़ेगी ठीक है ना तो आ, बिल बनाए हैं और इसमें बिल एंडोर्स भी किया है तो तीन पार्टीज चाहिएगी। फर्स्ट कॉलम में बना दूंगा राम मोहन एंड देन सोहन राम जो ड्रॉअर है मोहन जो ड्रॉ ही है और सोहन जो है वो एंडोर्स ही हो जाएंगे फर्स्ट uh, एंट्री डल रही है फर्स्ट जनवरी 2019 को राम की बुक्स में एंट्री डलेगी बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट डी बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट डी बिल्स रिसीवेबल थ्री अकाउंट डी टू मोहन अकाउंट तीन बिल ड्रॉ हुए तो तीनों को ड्रॉ कर दिया अपन ने तीनों बिलों को सेपरेटली लिख दिया वन टू थ्री करके चार पांच और छह फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड और मोहन के अगेंस्ट आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड टोटल सम ड्यू फिफ्टीन थाउजेंड था मोहन की बुक्स में एंट्री डल जाएगी राम अकाउंट डी आर टू बिल्स पेबल वन अकाउंट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट टू, टू, टू बिल्स पेबल थ्री अकाउंट बिल्स पेबल वन फोर थाउजेंड ऑफकोर्स फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड सोहन की बुक्स में अभी कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि अभी बिल ड्रॉ हो रहे हैं बहुत सिंपल है दो चार क्वेश्चन अगर आप करो खुद से तो एकदम चैप्टर बहुत ईजीली कन्वीनियंटली समझ में आ जाता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और स्लोली कॉशियस रह के सॉल्व करना है ताकि सिली एरर्स ना हो ऑन टेंथ ऑफ जनवरी 2019 राम एंडोर्स द फर्स्ट बिल टू हिज क्रेडिटर सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4,120, 4,000 चार हजार का बिल है पहला वाला और 4,120 का सेटलमेंट करते हुए यह बिल एंडोर्स कर दिया है हमने सोहन को टेंथ ऑफ जनवरी को किया है टेंथ ऑफ जनवरी को मैं राम की बुक्स में एंट्री डाल दूंगा सोहन अकाउंट डी टू बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डिस्काउंट भी मिल रहा है वन ट्वेंटी रुपीज का डिस्काउंट है फोर थाउजेंड का बिल एंडोर्स हो रहा है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी जो ड्रॉई है उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी राइट क्यों नहीं आएगी क्योंकि ड्रॉई से परमिशन लेने का ड्रॉई को इन्फॉर्म करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है कोई हिसाब ही नहीं है ड्रॉअर कोई भी बिल का यूज एक्सरसाइज करे ड्रॉई को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती अब सोहन की बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी इनको बिल रिसीव हो रहा है तो इनकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट डी जिस नंबर का बिल हो रहा है वही लिखें जरूर से ये डिस्काउंट दे रहे हैं तो एंट्री कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर टू क्रेडिट द गिवर विच इज राम अकाउंट टू राम अकाउंट बिल्स रिसीवेबल वन फोर थाउजेंड का है वन ट्वेंटी रुपीज का डिस्काउंट फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा इंडोर्स की एंट्री हमने कर दी क्वेश्चन में लिखी है एक बात के दिस बिल वाज मिट ऑन मचॉरिटी ये मचोरिटी पर मीट आउट हो गया याद रखिएगा कि इस बिल की जो मचॉरिटी है वो एक महीने में ही है यानी फोर्थ ऑफ फेब्रेरी को इस बिल की मचोरिटी की एंट्री डालनी है फोर्थ ऑफ फेब्रेरी को ध्यान में रखना है क्योंकि वो लेटेस्ट मचोरिटी है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर उसके बाद हो रहा है तो पहले इसकी मचॉरिटी की एंट्री करनी है और फिर आगे बढ़ना है ऑन ट्वेंटी द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड तो यहां पर डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी पड़ेगी तो इधर मैं एंट्री पास कर देता हूं ट्वेंटी ऑफ जनवरी को डिस्काउंट की एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट डी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो बिल का है, इसको डिस्काउंट करवाया uh, बहुत ही अच्छा यह हुआ है क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कितने पैसे बैंक से रिसीव हुए हैं वो क्लियरली बता दिया क्योंकि जो डिस्काउंटिंग की डेट है ना वो एकदम अजीब है ट्वेंटी एग्जैक्ट मंथ नहीं हो रहा है है ना ट्वेंटी ऑफ जनवरी को करवाया है तो फिर वहां से आपको एग्जैक्ट डेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं टिल फोर्थ ऑफ मार्च दैट इज द मचोरिटी ऑफ दिस बिल क्योंकि सेकेंड बिल की मचॉरिटी दो महीने तो दिन काउंट करके फिर डेज टू मचॉरिटी डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव करके डिस्काउंटिंग चार्जेस कंप्यूट करने पड़ते उसमें थोड़ी मेहनत लगती पर इन्होंने रेट देने की बजाय हमें सीधा बता दिया कि बैंक से कितना पैसा मिला है तो सिंपली मैं बैंक में फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी लिख दूंगा बचा हुआ जो है वो डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा 4850 बैंक ने दिया 5000 का बिल है ये मुझे पता है तो 150 के डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट हुए है ना सो so ये बहुत कन्वीनिएंटली पता चल गया अब इसके बाद हम क्या करते हैं ड्रॉई की बुक्स में डैश आ जाएगा और सोहन को भी कोई लेना देना है नहीं सोहन तो फर्स्ट बिल से कंसर्न है 20th ऑफ जनवरी आगे डिसऑनर तो की एंट्री डालेंगे बैंक ने फोर्टी के नोटिंग चार्जेस पे किए ऑन मोहन रिक्वेस्ट एक फोर्थ बिल बनाया गया दो महीने का अमाउंट डू प्लस इंटरेस्ट और थर्ड बिल जो है वो यहाँ पर पेड अंडर रिबेट है अभी फिलहाल फॉर दिस टर्म हमारे सिलेबस में रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रीबेट नहीं है तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा इन लाइन को और फिर हम कंसिडर करते हैं बट इन सब बातों पर बाद में आते हैं इन डिटेल अभी मैं इतना बोल रहा हूँ जनवरी है

टू कैश अकाउंट सिंपल बिल्स पेबल वन टू कैश अकाउंट और फर्स्ट बिल की वैल्यू थी फोर थाउजेंड पे ये ऑनर हो जाएगा एंड जो ड्रॉअर ने एंडोर्स किया है एंडोर्स सी को सोहन सोहन की बुक्स में उनको पैसे रिसीव हो जाएंगे तो उनकी बुक्स में एंट्री डल जाएगी कैश टू बिल्स रिसीवेबल वन एग्जैक्टली कैश टू बिल्स रिसिवेबल वन अकाउंट चार हजार रुपए से खत्म बात फर्स्ट बिल की स्टोरी खत्म अब हम चलते हैं सेकेंड बिल की मैचोरिटी पे दैट इज फोर्थ ऑफ मार्च फोर्थ ऑफ मार्च को वॉट इज एपनिंग हमने डिस्काउंट करवा रखा था बिल पर वो डिसऑनर हो रहा है तो उसके डिसऑनर की एंट्री डालेंगे और उसके डिस्काउंटिंग उसके डिसऑनर पे नोटिंग चार्जेस जो है वो फोर्टी रुपीज है सबसे पहले राम की बुक्स में एंट्री डलेगी राम की बुक्स में एंट्री डलेगी जो ड्रॉई है मोहन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट मोहन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट और इस एंट्री का अमाउंट डलेगा बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस पांच हजार का बिल और फोर्टी रुपीज के नोटिंग चार्जेस तो फिफ्टी फोर्टी पे एंट्री डल जाएगी जो ड्रॉइंग है उनकी बुक्स में एंट्री डल जाएगी बिल्स पेबल टू अकाउंट डी आर नोटिंग चार्जेज अकाउंट डी आर टू राम अकाउंट पैसे देने हैं राम को फाइव थाउजेंड का बिल कैंसिल कर दीजिए फोर्टी रुपीज के नोटिंग चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे और फाइव थाउजेंड फोर्टी रुपीज आप पेएबल हैं जो एंडोर्स ही हैं उनका तो काम ही ख़त्म हो गया अब है ना बिल विल सेटल हो चुका है फर्स्ट बिल की स्टोरी थी यहाँ पर अब फर्स्ट बिल जो बिल ड्रॉन है सेकेंड बिल वो इंडोर्स किया वो डिस्काउंट किया था हमने और वो डिसऑनर हो गया है तो मचोरिटी पर फोर्टी रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस लगे मोहन ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक नया बिल ड्रॉ कर दीजिए चौथा बिल दो महीने के लिए और उसमें आप इंटरेस्ट भी जोड़ दो सौ रुपए का नॉट अ प्रॉब्लम तो अब हम एक नया बिल ड्रॉ करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे इसी दिन नया बिल ड्रॉ हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल या तो न्यू कर दो या फोर कर दो सीक्वेंस में फोर इज अ बेटर वर्ड बिल्स रिसीवेबल फोर अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट टू मोहन अकाउंट एंड यस टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो अर्न ही होगा फाइव थाउजेंड फोर्टी रुपीज तो पुराने बाकी है टू हंड्रेड रुपीज का इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा टू हंड्रेड का इंटरेस्ट बोला गया है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यस तो नया बिल बनेगा जीरो का फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी एंड ये आप दो ऑल्टरनेटिव एंट्रीज भी कर सकते हो पहले आप एंट्री कर सकते हो मोहन टू तो इंटरेस्ट फिर एंट्री कर सकते हो बिल्स रिसीवेबल फोर टू तो मोहन फिफ्टी फोर्टी पे फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड एंड फोर्टी पे पहले मोहन टू तो इंटरेस्ट करोगे फोर्टी फोर्टी फिर एंट्री कर दोगे बिल्स रिसीवेबल फोर टू मोहन फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी मोहन की बुक्स में एंट्री डल जाएगी राम अकाउंट डीआर इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल फोर अकाउंट बिल्स पेबल फोर अकाउंट राम में डेबिट हो जाएगा फाइव थाउजेंड एंड फोर्टी इंटरेस्ट में डेबिट हो जाएगा टू हंड्रेड और बिल्स पेबल फोर में आ जाएगा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी जो इंडोर सी उसका तो रोल ही खत्म है ठीक है ये बिल आज से दो महीने की मचॉरिटी के लिए लिखा था क्वेश्चन कह रहा है थर्ड बिल वॉज पेड अंडर रिबेट इसको जाने दो सिंपली ऐसा कर दो द थर्ड बिल वॉज ऑनर्ड बिल वॉज ऑनर्ड क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ अ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ अ बिल हमारे syllabus में नहीं है।, है ना तो थर्ड बिल वॉज ऑनर्ड थर्ड बिल की मैचोरिटी डेट कब आएगी थर्ड बिल ओरिजिनली थर्ड बिल ये जो अभी हमने रिन्यू करके बनाया तो है यह तो फोर्थ बिल है थर्ड बिल की मचॉरिटी जनवरी में था और उसकी मच्योरिटी थ्री मंथस थी तो फोर्थ ऑफ अप्रिल आ जाएगा फोर्थ ऑफ अप्रिल को

ड्रॉइंग है उनकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल थ्री अकाउंट डी आर टू कैश और अमाउंट सिक्स थाउजेंड का है सिक्स थाउजेंड का अमाउंट डल जाएगा उधर डैश आ जाएगा ठीक है ये फोर्थ ऑफ अप्रैल का हुआ डन अब जो फोर्थ बिल है जो रिन्यूड बिल है उसके लिए बोला है द फोर्थ बिल वो सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन फोर्थ में एंड वॉज ड्यूली मेट ऑन मेचोरिटी जो चौथा बिल है वो फोर्थ ऑफ मे को हमने भेजा कलेक्शन के लिए फोर्थ ऑफ मे को वो बिल ड्रॉ हुआ था फोर्थ ऑफ मार्च को है ना फोर्थ मार्च को डिसऑनर हुआ था हमारा सेकेंड बिल और सेकेंड बिल के अगेंस्ट ये रीन्यूड फोर्थ बिल मिला है. ये जो रिन्यूड बिल है ये बना था फॉर टू मंथस तो मार्च से अप्रैल अप्रैल से मे एक्चुअली आज ही इसका डे ऑफ कलेक्शन है डे ऑफ मेचोरिटी है

तो उस दिन मैं एंट्री कर दूंगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल फोर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल फोर जो है वो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज का बनाया है हमने फाइव थाउजेंड फोर्टी पुराने बिल का प्लस नोटरी चार्जेस और दो सौ रुपए का इंटरेस्ट ड्रॉई की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी अब सेवेंथ ऑफ मे को ये बिल कलेक्ट हो जाएगा और हमको पेमेंट मिलेगा तो हम एंट्री कर देंगे बैंक टू बिल्स फॉर कलेक्शन यस बैंक अकाउंट डी आर टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी और ड्रॉई की बुक्स में सिंपली एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल फोर अकाउंट डी आर ऑनर की एक स्टेपल एंट्री है जो हर केस में आती है टू कैश या बैंक अकाउंट वट एवर द केस माइट बी फाइव टू फोर जीरो

डिसऑनर फॉर बिल बिल सेंड फॉर कलेक्शन का डिसऑनर एक बार मैं समझा देता हूँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन का डिसऑनर हमने देखा ही नहीं है एक्चुअली एक बार बिल सेंड फॉर कलेक्शन का डिसऑनर देख लेते हैं फिर इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवा दूंगा फिर हम एक समरी भी देख लेंगे बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अगर डिसऑनर हो जाता है दो पार्टीज हैं ए और बी पहले जेनेरिक एंट्रीज हर बार की तरह बी अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट बी की बुक्स में आ जाएगा परचेज अकाउंट डी आर टू ए अकाउंट इसके बाद बिल ड्रॉ होगा तो एंट्री डल जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू बी अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर टू बी अकाउंट और यहां आ जाएगा ए अकाउंट डी आर टू बिल्स पेबल अकाउंट ठीक है नाउ वट विल हैपन हम इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज देंगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डी आर एक एसेट आ गया इसको डेबिट कर दो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दूसरा एसेट चला गया, फॉर कलेक्शन एक डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट इस बात का एविडेंस है कि मैंने बैंक को बिल दे रखा है मेरा खुद का कलेक्शन के लिए ड्रॉइंग की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती ये बात स्टैंडर्ड बात है बॉटम लाइन फॉर दिस चैप्टर दैट ट एवर यूज द ड्रॉर इक्सरसाइजिंग एंट्री फॉर दैट मैटर इन दी बुक्स की में कोई भी नहीं आती है maturity, हमारा बैंक करने जाएगा. मैंने बैंक को बिल दिया है और बोला है एडवांस में पैसे नहीं चाहिए बॉस आप ड्यू डेट पर पेमेंट कलेक्ट करके लाना और उसी दिन मेरे अकाउंट में इसको डिपॉजिट करवा देना इफ बैंक चार्जेज एनी चार्जेस फॉर दैट तो उसकी बैंक चार्जेस टू तो बैंक एंट्री पास कर देंगे इफ देर इज सो बाकी कुछ एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है यहां पे सिंपली एंट्री डल जाएगी बैंक बिल को कलेक्ट करेगा और मेरे बैंक अकाउंट में फुल बिल वैल्यू डाल देगा तो बैंक अकाउंट डी आर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट अब ये जो रिसिप्ट है दैट इज एविडेंसिंग दैट आई हैव डिपॉजिटेड माय बिल विद बैंक उसकी कोई रेलिवेंस नहीं रहती क्योंकि बैंक ने वो बिल बी को प्रेजेंट किया है और बी ने उस बिल को डिस्ट्रॉय uh, कर दिया है बट ड्यू डेट पर ऑनर होता बिल तो ये एंट्री डलती पर यहां पर तो बिल ऑनर हो ही नहीं रहा है यहां पे तो बिल डिसऑनर हो रहा है अगर बिल डिसऑनर हो रहा है तो सिंपली एंट्री डल जाएगी बैंक मुझे ये बिल वापस दे देगा तो मैं एंट्री पास कर दूंगा बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ये जो एंट्री मैंने पास करी थी ये रिवर्स हो जाएगी नोटरी चार्जेस भी लगेंगे जो बैंक ने मेरे बिहाफ पर कर दिए होंगे तो मैं उसकी एंट्री कर दूंगा नोटरी चार्जेस अगर मैं करूंगा तो नोटरी चार्जेस टू कैश और अगर बैंक करेगा तो नोटरी चार्जेस टू बैंक इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट्स ओके अदरवाइज आप अज्यूम करिएगा कि जो होल्डर है बिल का वही नोटरी चार्जेस करता है बिकॉज दैट्स दी कॉमन पार्लेंस तो यहाँ पे एंट्री डल जाएगी नोटरी चार्जेस टू बैंक अकाउंट अब ये बिल मुझे वापस मिला मैं वापस ये बिल दे दूंगा किसको बी को तो मैं एंट्री पास कर दूंगा बी अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल टू नोटरी चार्जेस भी आप ही बैर करो मैं क्यों करूं बी बोलेगा मेरी ए बोलेगा मेरी तो कोई गलती है ही नहीं बिल के डिसऑनर में दैट्स योर फॉल्ट अब इनकी नेट एंट्री देखिए तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ डेबिट है यहां क्रेडिट है क्लोज हो गया नोटरी चार्जेस यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है क्लोज हो गया अगर कंपाउंड एंट्री की बात करूँ तो एंट्री डल रही है बी अकाउंट डी टू बिल्स एंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट बी अकाउंट डीआर टू सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों में से कुछ एक आ जाएगा इसके अगेंस्ट हम लिखेंगे नोटरी चार्जेस बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट बिल वैल्यू और बी के अगेंस्ट बिल प्लस नोटरी चार्जेस एक छोटा सा फर्क है हेल्टेल मेचोरिटी से हेल्टेल मेचोरिटी का जब डिसऑनर होता है तो वहां पर एंट्री डलती है बी uh, टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश यहां पे बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन आ गया बाकी सेम एंट्री एंड की बुक्स में तो ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं हर बार सेम सेट ऑफ एंट्री डलती है बिल्स पेबल अकाउंट डी आर नोट रिचार्जेज अकाउंट डी आर टू बैंक नहीं टू एकाउंट टू ए अकाउंट ठीक है एंड दैट इज वेन अ डिसकाउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड हमने काफी लेंदी नोट्स इसके प्रिपेयर किए हैं बट अगर हम समरी देखें ना तो डू नॉट गेट अलार्म बाय द फैक्ट के इतनी सारी एंट्रीज है आप देखोगे सर इतनी एंट्रीज याद रखनी पड़ेंगी जेन्यूनली नहीं है इतनी एंट्रीज डिसऑनर के केस में चार सेट ऑफ एंट्रीज है जो ड्रॉर की बुक्स में याद रखनी है आपको अगर टिल मचॉरिटी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बी टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री डल जाएगी बी टू बैंक यहां पर एंट्री में जो अमाउंट भरोगे वो बिल प्लस नोटरी चार्जेस रहेगा थर्ड अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री कर दोगे आप बी टू सी अगेन अमाउंट भर दोगे बिल प्लस नोटरी चार्जेस और अगर हेल्टेल मचोरिटी बिल होता है तो सिंपली एंट्री कर दोगे बी टू एक्चुअली बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर होता है तो बी टू बैंक एंड अभी अभी समझाया कि बैंक के अंदर नोटरी चार्जेस आएंगे एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर बिल वैल्यू बी में ये बिल प्लस नोटरी चार्जेस आ जाएगा थर्ड केस में जो अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो एंडोर्स सी की बुक्स में भी एंट्री पास करनी है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि एंडोर सी ने क्या कर रखा है है ना हो सकता है कि एनडोर सी ने डिस्काउंट करा रखा हो हो सकता है कि एंड सी ने कलेक्शन के लिए भेज दिया हो या हो सकता है कि एंड सी ने अपने पास ही रखा हो हेल्टेल मेचोरिटी तो अगर एंडोर्सी ने हेल्टेल मचोरिटी किया है तो एंट्री डल जाएगी ए टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश बैंक अगर एंडोर्सी ने डिस्काउंट करा दिया है तो वो एंट्री कर देगा ए टू बैंक अगर एंडोर्सी ने एंडोर्स कर दिया है आगे किसी को सी ने किसी डी को दे दिया है तो वो एंट्री कर देगा ए टू डी अकाउंट ए अकाउंट डी आर टू डी अकाउंट और अगर उन्होंने कलेक्शन के लिए भेज दिया है कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेट हो रहा है जो एंट्रीज ए पास करता अब वो सी पास करेगा कलेक्शन के लिए भेज दिया है तो वो एंट्री कर देंगे ए टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट ऑल केसेस ऑफ डिसऑनर ऑल द केसेज एंड बाई ऑल आई मीन ईच एंड एवरी वन ड्रॉइ की बुक्स में यानी कि बी की बुक्स में हमारे एग्जाम्पल में एक ही एंट्री डलेगी बिल्स पेबल नोटरी चार्जेस टू ड्रॉर अकाउंट टू ए अकाउंट इन आर एग्जाम्पल एंड दैट इज इट ये अगर देखा जाए ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज द समरी ऑफ द 50 परसेंट ऑफ़ द चैप्टर दैट इज डिसनर हाँ डिस को अच्छे से समझने के लिए ऑफकोर्स आपको पहले ऑनर ढंग से आना चाहिए है ना so we need to do few more questions we'll do that in next class and with that we will end this chapter